सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हेडलाइंस टुडे में। अन अकेडमी आई प्रयागराज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस क्या है। देखिए, जो पहली न्यूज है वो आ रही है ब्रिटेन से। हमने इसको लिया है द हिंदू से, जहाँ पे रैशल रेविस ब्रिटेन की पहली वुमेन फाइनेंस चीफ बनी है। जैसा आपको पता है कि अभी अभी ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुए वो कंक्लूड हुए हैं, और जहाँ पे ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको नहीं बल्कि इस बार लेबर पार्टी से सफलता हासिल हुई है। और माना जाए तो 14 सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी का रूल चल रहा था ब्रिटेन में, उसका समापन हुआ। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बार बढ़त मिली लेबर पार्टी को। अगला जो न्यूज हम ले रहे हैं वो द लाइव मिंट से ले रहे हैं। लाइव मिंट में एसईओ समिट को हाईलाइट करते हुए कहा गया है, एसईओ समिट 2024, एस जयशंकर डिलीवर्स पीएम मोदी मैसेज ऑन टेररिज्म क्लाइमेट चेंज 6 की पॉइंट्स। देखिए, जो मीटिंग है वो आपकी कजाक में हो रही है, और खास बात ये है कि यहाँ पे बेलारूस 10वां सदस्य बना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसके साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश हैं। तो अभी तक इसमें कुल 9 मेंबर्स थे, बेलारूस के जुड़ने से इसमें कुल 10 सदस्य हो जाएंगे। जो हम अगली न्यूज ले रहे हैं वो हम बिजनेस स्टैंडर्ड से ले रहे हैं, जहां पे बात हो रही है इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू मीट 2070 नेट जीरो गोल, नीति आयोग फॉर्म्स पैनल। जहां पे बात ये कही जा रही है कि नीति आयोग का ये मतलब एक मानना है कि कैसे भी हम 2070 तक नेट जीरो तक पहुंच जाए। नेट जीरो का मतलब है जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम अवशोषण कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूज है उसने ये भी हाईलाइट किया था कि COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, वहां पे ऑनरेबल पीएम ने 5 प्रॉन्च स्ट्रैटेजी यानी पंचमित्रा की डिक्लेरेशन किए थे, पंचमित्रा की, जो नेट जीरो इंपोर्ट के लिए ही, नेट जीरो कार्बन को लाने के लिए ही किया गया प्रयास था। देखिए, जो अगली न्यूज है ये भी द हिंदू से, जहां पे सेंसेक्स क्लोज हो रहा है अबव 80,000 मार्क्स फॉर फर्स्ट टाइम, निफ्टी एंड्स एट न्यू हाई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि पहली बार 80,000 मार्क को क्रॉस कर गया है, और इसने एक नया पीक 80,000.0074 इंट्रा डेट पे ये क्लोज हुआ है। देखिए, जो लास्ट न्यूज ले रहे हैं वो हम फिर से द हिंदू से ले रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2025 तक। 2015 में ये स्कीम शुरू की गई थी, जहां पे कुछ शहरों का चयन किया गया था और उनको स्मार्ट बनाने की बात की गई थी। और शहर तभी स्मार्ट होंगे जब लोग स्मार्ट होंगे, जिससे कई 9 पिलर्स थे, और इन 9 पिलर्स को अचीव करके स्मार्ट सिटीज का निर्माण करना था। अब बीच में कोविड भी आया और कुछ जो है शफल्स भी, इकोनॉमिक शफल्स, तो लिहाजा इस जो मिशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2025 तक, इस को प्राप्त करना है, जहां भारत के 100 शहरों को स्मार्ट करने की योजना है। तो ये तो थे आज के टॉप 5 हेडलाइंस। अन अकेडमी आईएएस प्रयागराज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।